आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, मोदी ने कांग्रेस को किया कटघरे में खड़ा। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एक और सौगात, न्यूनतम वेतन बढ़ाने को मिल सकती है मंजूरी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया बजट, किसान और खेती पर रहा फोकस। कांग्रेसियों को राहुल गांधी में नजर आए राम, भोपाल में मोदी को रावण बताने वाले होर्डिंग लगे। और अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने की फायरिंग, लाठी डंडे भी चले। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेता एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए हैं। राहुल भोपाल में कांग्रेस की जीत के बाद आभार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में आभार सम्मेलन के जरिए मोदी सरकार पर आक्रमण किया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनाई। राहुल ने साफ कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, कर्ज माफी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। राहुल ने चौकीदार की चौकीदारी पर सवाल उठाए और मोदी सरकार पर आक्रमण किया। मैं समझ गया हूं, नरेंद्र मोदी जी को डरा के आप कोई भी काम करा सकते हो। आप देखिए, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर्जा माफ होगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं ठीक है भैया, मैं भी किसानों के लिए काम करता हूं। लोकसभा में बीजेपी के एमपीज ने 5 मिनट ऐसे ताली बजाई, धड़ 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 धड़। मैंने सोचा भैया क्या कर दिया, मतलब ये 5 मिनट धड़ाधड़ सिंधिया जी सब बैठे हुए थे वहां पे, मैंने पूछा क्या कर दिया इन्होंने 5 मिनट। पता लगा 17 रुपए। अरे भाई 17 रुपए, नरेंद्र मोदी जी ने 17 रुपए दिन के हिंदुस्तान के किसान को पैसा दिया, 17 रुपए। और वहां धड़ाधड़ तापी ताली, धड़ाधड़ ताली, धड़ाधड़ ताली। एक तरफ 3,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ, और इधर 17 रुपए। वहीं लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सभा में कांग्रेस की किसान कर्ज माफी का खुलासा किया और बताया कि केंद्र सरकार किस तरह किसानों को राहत दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। इस साल के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की गई। मेरे मजदूर भाइयों बहनों के लिए, श्रमिक परिवारों के लिए, जो घरों में काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जो सड़कों या घरों के निर्माण में जुटे हैं, जो मिट्टी या लेबर का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ऐसे करोड़ों बहनों भाइयों के लिए देश के इतिहास में पहली बार कोई योजना बनी है। ये वो वर्ग है जिसके नाम पर देश में सिर्फ नारे ही लगाए, राजनीति ही की गई, कभी उनके भले के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए।
चुनाव करीब है और इससे पहले केंद्र सरकार देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों की माने तो केंद्र कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में न्यूनतम 18,000 रुपए वेतन मिल रहा है। नेशनल ज्वाइंट काउंसलिंग ऑफ एक्शन के प्रमुख शिव गोपाल ने हाल ही में कहा था कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर सरकार ऐसा करती है तो देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों की मांग पूरी हो जाएगी। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को मानकर उनकी बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए करती है तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। बता दें कि हाल ही में सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षकों व अन्य स्टाफ के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद अब उन्हें 19 महीने का एरियर मिलेगा, क्योंकि यह 7 जुलाई 2017 से लागू होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव से पहले बघेल का बजट किसान और खेती को समर्पित रहा। बजट में बघेल ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में अपना पहला और राज्य का 19वां बजट पेश किया। बजट भाषण में भूपेश बघेल ने कहा कि धान हमारे राज्य की प्रमुख फसल है, लेकिन धान की कीमत कम होने की वजह से हमारे राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हमने इसी बात को देखते हुए धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इस बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। कृषि बजट को पिछले बजट की तुलना में 1.5 गुना बढ़ाया गया है। 400 यूनिट तक बिजली बिल को आधा किया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि राजीव गांधी सर्व जल योजना शुरू की जाएगी। अस्पताल में 242 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती होगी और 35 नई सड़कों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने भाषण में कहा कि हमने वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। एक एक पाई जनता की भलाई पर खर्च की जाएगी। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर में लगातार चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 10 नक्सलियों को मार गिराया और 11 हथियार बरामद किए गए। डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम माड़ इलाके में मौजूद इंद्रावती नदी को पार कर सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। नक्सलियों ने अपने इलाके में पुलिस को आते देख जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। पहले तो बड़ी संख्या में मौजूद नक्सली पुलिस पर भारी पड़े, लेकिन जब मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली तो पुलिस बल नक्सलियों पर भारी पड़ने लगा और पुलिस जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। घटनास्थल से पुलिस को 10 नक्सलवादियों के शव और 11 हथियार मिले हैं। निश्चय ही वहां पे जो संख्या नक्सलियों की थी, जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा थी, और उसमें बहुत सारे जो बड़े लीडर की होने की संभावनाएं भी हैं, परंतु अभी जिनके सब बरामद हुए हैं अभी उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, और जब सबको लाया जाएगा उसके बाद जब उनकी पहचान कराई जाएगी तब क्लियर होगा कि इसमें किस किस रैंक के हैं, परंतु अभी तक यही है कि 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और 11 हथियार बरामद। मुठभेड़ स्थल के पास नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप से बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोगी के सामान, नक्सली साहित्य और भारी मात्रा में आईडी बरामद की गई है। आईजी ने बताया कि यह पहला मौका है जब नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप से इतनी बड़ी मात्रा में आईडी बरामद की गई। जब तो आईडी से 100 वाहनों को ब्लास्ट कर उड़ाया जा सकता था, अब लगातार इलाके में सर्चिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। दोनों ओर से पत्थर, डंडे और लाठियां चलने लगी, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग कर मामला संभालना पड़ा। सागर के सूरजपुरा गांव में रामजी और कीरत सिंह, जो गांव के शासकीय तालाब में खेती करते आ रहे हैं,
जिसकी शिकायत उसी गांव के रहवासी राजेंद्र सिंह ने की थी। इसी वजह से 4 फरवरी को नायब तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। आदेश देने के बाद भी रामजी सिंह और कीरत सिंह ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके पहले भी नायब तहसीलदार ने दोनों को शासकीय तालाब में खेती न करने का नोटिस दिया था। उसके बावजूद भी रामजी और कीरत सिंह ने शासकीय तालाब में गेहूं की फसल बोई, जिसका आज अतिक्रमण हटाने के दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें 2 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए। दोनों ओर से जमकर लाठी और पत्थर चले और पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। चौकी बलेहरा का एक ग्राम है सूरजपुरा, जिसमें राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार के नेतृत्व में शासकीय तालाबों पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए गए थे। बलेहरा से उपलब्ध पुलिस बल भी मौजूद था मौके पर। कब्जा हटाने की कार्रवाई चली रही थी, तो इस बीच में गांव के 2 पक्ष जिनमें आपस में कोई पूर्व में कोई रंजिश रही होगी आपस में भिड़ गए। एक पक्ष का ऐसा सोचना था कि दूसरे पक्ष की शिकायत की वजह से हमारा अतिक्रमण हट रहा है, और स्थिति ऐसी बन गई, एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमले करने लगे। स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें नहीं रोका जाता तो कोई गंभीर जनहानि हो सकती थी। तो राजस्व अधिकारी उपस्थित नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर चौकी प्रभारी बलेहरा ने 2 हवाई फायर किए। इसके बाद ये लोग तितर बितर हो गए और दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर संबंधित अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने बताया कि गांव के शासकीय तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए बिलहरा चौकी की पुलिस भी गई। इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिससे मामला बिगड़ता देख बिलहरा चौकी प्रभारी अमित पवार ने 2 हवाई फायर कर दिए, जिससे लोग तितर बितर हो गए। दोनों पक्षों की रिपोर्ट के बाद मामला दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति अपने घटिया दौर में पहुंच गई है। कांग्रेसियों ने भोपाल में विवादास्पद पोस्टर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भगवान राम बताया है। ऐसा करके कांग्रेस हिंदू वोटर्स को अपने साथ करना चाहती है। भोपाल में कांग्रेसियों को राहुल गांधी में भगवान राम नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें रावण जैसे दिखते हैं। हालांकि ये राजनीति के गिरते स्तर को जाहिर करने के साथ कांग्रेस की सोच को भी उजागर करता है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान भोपाल में मोदी को रावण बताने वाले पोस्टर लगाए गए। 10 सिर के रावण के प्रमुख चेहरे में मोदी का है और बाकी चेहरे में बीजेपी के अन्य नेता हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ती नजर आई। कुछ लोगों ने उत्साह में लगा दियो कि कांग्रेस इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती, ना इस तरह की परंपरा स्थापित करना चाहती है, और इस तरह की चरित्रहरण वाली राजनीति को कभी कांग्रेस प्रश्रय नहीं देती है न समर्थन करती है। लेकिन यह सही है कि अब ये उपाधियां देश की जनता दे रही, भले कांग्रेस नहीं दे लेकिन देश की जनता कानून के आधार पर जरूर दे रही है। किन लोगों ने देश में जुमले दिए, किन लोगों ने खोखले नारे दिए, किन लोगों ने एक के बदले 10 सर की बात करी, किन लोगों ने काले धन की बात करी, किन लोगों ने 15 लाख की बात करी, और कौन लोग देश को आगे ले आना चाहते हैं, कौन लोग देश को बांटना चाहते हैं, उसके आधार पर जनता खुद उपाधि दे रही है। जनता खुद तय कर रही है कि किसकी भूमिका किस भूमिका में, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करती। पिछले कुछ समय से कांग्रेस खुद को हिंदूवादी और राहुल गांधी को ब्राह्मण बताने के प्रयास कर रही है। अब इस पोस्टर में राहुल को राम बताया गया है। पोस्टर पर लिखा चौकीदार ही चोर है। कांग्रेस की इस हरकत पर बीजेपी ने एतराज जताया है और कांग्रेस की आलोचना की है। देखिए, हमें लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं के बाद कार्यकर्ताओं में भी बड़ी ओछी मानसिकता सवार हो गई है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है अपने आप में शुद्ध करने वाली घटना है। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, उनको इस तरीके से रावण के रूप में दिखाना अपने आप में घोर आपत्तिजनक एवं अपमानजनक घटना इस देश की जनता के लिए है। अगर रावण के रूप में दिखाया जाना था तो राहुल गांधी को दिखाया जाना था, जो लगातार अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, और अपने परिवार को बचाने के लिए खुद उनकी बहन जो है गाड़ी से छोड़ने रॉबर्ट वाड्रा को जा रही हैं। ऐसे परिवार के काम करने वाले, मुझे लगता है इस व्यक्ति को अगर रावण के रूप में दिखाया जाता तो ठीक रहता। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा न कभी राम बनने की है न कृष्ण बनने की है। उनको जनता भी जो है केवल जनसेवक के रूप में देखना चाहती है और लगातार वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 फरवरी को होशंगाबाद से मध्य प्रदेश में अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तपन भौमिक, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने भाजपा जिला कार्यालय होशंगाबाद में बैठक की। माना जा रहा है होशंगाबाद जिले के इटारसी रेलवे ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद करेंगे। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का कहना है कि लगभग 2 लाख कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र गौरव है,
प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गौरव का विषय होता है, उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हम तैयारियां करते हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बहुत खुशी का अवसर है कि मध्य प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र से नर्मदा के तट से उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की है, जो हमारे लिए विशेष रूप से आगामी 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में दौरा प्रस्तावित है। उसकी तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, इन सबको आज यहाँ पर बुलाया गया था और उस कार्यक्रम के स्थान तय करने संबंधित और कार्यक्रम को कहाँ और किस समय किया जाए व्यवस्थित उस पर आज विचार विमर्श किया गया है। आगामी 9 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बैठक इटारसी में प्रस्तावित है, उस बैठक में हम आगामी पूरे कार्यक्रम को फाइनल सेट देंगे। छतरपुर में एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला के साथ बलात्कार करने वाले युवक को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इस युवक ने 2017 में वृद्ध महिला के साथ बर्बरतापूर्वक रेप की घटना को अंजाम दिया था। एक दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा का हुक्म दिया है। 25 वर्षीय रीवू उर्फ अकबर ने एक 75 वर्षीय वृद्धा के साथ बलात्कार किया था। यह वारदात 21 फरवरी 2017 की रात की है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बने मकान में रात को रीवू उर्फ अकबर चोरी छिपे अंदर घुस गया और वृद्ध महिला को अकेले पाकर उसके साथ मारपीट कर रेप जैसा जघन्य अपराध घटित किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया, बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत ने इस गंभीर अपराध के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला के घर के अंदर घुसकर रात में उसके साथ रेप किया था और उसकी बुरी तरह से मार मार कर हत्या कर दी। उस पर से आज निर्णय हुआ, माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा दी गई। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव में चल रहे रोजगार मेले से 1200 युवाओं की किस्मत बदल सकती है। रोजगार मेले में प्रदेश की कई कंपनियां योग के युवाओं की तलाश में हैं। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंच रहे हैं। इस रोजगार मेले में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रदेश भर की लगभग 15 से 20 कंपनियों ने अपना कैंप लगाकर प्लेसमेंट शुरू कर दिया है। इन कंपनियों के माध्यम से 1200 रिक्त पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। चयनित बेरोजगारों को इंटरव्यू के बाद अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग दी जाएगी। मैं 3 महीने का कोर्स करने के लिए आई थी, एचएम का है वो, डीडीयू जी के बाद लहरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का है, जहाँ पे 3 महीने का कोर्स दिया जाएगा। प्लस उसके बाद 3 महीने के बाद जॉब के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग होगा, जहाँ पर ट्रेनिंग दे जाएगा। ट्रेनिंग के बाद सीधा यहाँ पर जॉब लगाया जाता है। जी, हमको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज राजनांदगांव में विशेष रूप से आज रोजगार मेला का आयोजन रखा गया है और इस रोजगार मेला में जो राजनांदगांव जिले से और छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं उन बच्चे को रोजगार देने के लिए आज इस राजनांदगांव के इस स्टेडियम पे आज प्लेसमेंट आयोजन रखा गया है, जिसमें बहुत सारे जो बेरोजगार युवक और युवतियां जो ट्रेनिंग ले चुके हैं कौशल योजना के तहत और जो बेरोजगार हैं उन बच्चे को शासन के एक सहयोग महत्वपूर्ण सहयोग से आज रोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है और बहुत सारे यहाँ पे कंपनियां आज उपस्थित हुए हैं और इसमें जो उपस्थित कंपनियां हैं सभी ने अलग अलग अपना पोस्ट रखा हुआ है। आज ये जो हमारे ट्रेंड बच्चे हैं मुख्यमंत्री कौशल विकास के अंतर्गत, उनके लिए हमने आज रोजगार मेला का आयोजन करवाया है, जिसमें लगभग 15 से 16 कंपनियां अभी तक आ चुकी हैं, 3-4 कंपनियां और आने वाली हैं, जिसमें हमें लगभग 1200 वैकेंसीज मिली हैं। तो
बच्चे भी पर्याप्त मात्रा में आज आए हैं, 700 का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा अवसर है बच्चों को रोजगार प्राप्त करने का। और इस बार कुछ नई कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसे स्विगी है और रायपुर सुमित बाजार से, भिलाई से कुछ कंपनीज आई हुई हैं, रायपुर की कंपनी है, राजनांदगांव की भी 3-4 बड़ी कंपनीज हैं, तो बच्चों को हर जगह जॉब करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। महिला होमगार्ड और एक लड़की बलात्कार केस के नाम पर एक लड़के से 6 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन बलात्कार के आरोपी लड़के के पिता ने सूझबूझ से पूरे मामले का खुलासा कर उसे बचा लिया। बिलासपुर की यह वारदात चौंका देने वाली है। कल तक जो महिला बलात्कार का आरोप लगाकर इंसाफ की गुहार लगा रही थी, आज वो खुद शक के दायरे में आ खड़ी हुई है। मामला बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र का है, जहां रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी जग्गा राव के बेटे धनंजय राव को पश्चिम बंगाल में रहने वाली युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर युवक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपी लड़के के पिता ने इस मामले का अपनी सूझबूझ से खुलासा कर दिया। कोई लड़का आया था जो संजय करके ना, वो बोला था कि वहाँ से जब मिल जाएगा, मैं आऊँगा ही ऐसे, हर एक दिन में मैं आते रहता हूँ, आ जाता हूँ करना, उसके बाद ऐसे मैं जानकारी दे दूँगा, मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई घर ये अच्छा नहीं लग रहा है, उससे लेकर जल्दी जल्दी केस कराऊँगी। प्रियंका मैम मेरे को सपोर्ट कर रही है। अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एक मजबूर पिता ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ सबूत जुटाए और इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिससे पुलिस ने जग्गा राव के साथ मिलकर आरोपियों के खिलाफ जाल बिछाया और ब्लैकमेल करने वाली पुलिस सखी टीम की होमगार्ड को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पुलिस कर्मी का नाम सविता यादव है। उसने लड़के के पिता से अपने लिए 1 लाख रुपए और युवती के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। गिरफ्तार महिला ने अपना जुर्म कबूल लिया और कहा कि उसने बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के साथ मिलकर पैसों की मांग की थी। स्वाति बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला के साथ लगातार संपर्क में थी। रीवा में सभाजीत यादव ने नगर निगम कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यादव ने नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से औपचारिक भेंट की। पिछले लंबे समय से नगर निगम रीवा के लिए IAS कमिश्नर की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई। दरअसल मुख्य सचिव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभाजीत यादव के पदस्थापना के आदेश जारी किए थे। इसके बाद यादव ने नगर निगम रीवा के कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया और आगे की कार्य योजना के बारे में बताया। नगर निगम के अपने बहुत सारे दायित्व होते हैं, उन दायित्वों का सम्यक पूर्वक निर्वहन कराया जाए, ये अपना प्रथम कर्तव्य है। दूसरा कि शासन की बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी नगर निगम को द्वारा किया जाता है, विशेष करके कमजोर वर्गों के लिए, तो इनको भी जो है मतलब प्राथमिकता के तौर पर लोगों को जो है उनका लाभ मिल सके, ये कार्य अपनी प्राथमिकता का है। एक युवक के अंधे कत्ल के खुलासे ने सबको चौंका दिया। जहां अपने देवर के प्यार में पड़ी महिला ने पति को मौत के घाट उतरवा दिया, पुलिस ने आरोपी पत्नी तथा मृतक के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर करचुलियान थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और उसके देवर अजय के बीच पिछले 3 सालों से अवैध संबंध थे, जिसका पता उसके पति को मुंबई से घर आने के बाद चला, जिसके लिए आए दिन दोनों का झगड़ा होता रहता था। मगर इसी बीच महिला ने पति की हत्या की साजिश रच ली, जिसमें उसका देवर अजय कोल भी शामिल था। अजय ने सबसे पहले बड़े भाई को खूब शराब पिलाई, जिससे नशे में होने पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी गई। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने हत्या की साजिश तथा हत्या के जुर्म में आरोपी महिला और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी हैं, देवर है और उसकी पत्नी है। लोगों के बीच में 3 साल से इलीगल रिलेशनशिप था। पति मुंबई में रहता था, अभी कुछ 6 महीने करीब पहले यहाँ पे वापस आया हुआ है। उसको इसके बारे में जानकारी हो गई कि पत्नी को माथा पीटता था। पत्नी बार बार भागने की सोच रही थी इसके साथ, लेकिन समाज के दबाव के कारण नहीं जा पा रही थी। इसलिए 3 तारीख को इन लोगों ने प्लानिंग बनाई, लेकिन 3 तारीख को टाइम सक्सेसफुल ना होने के कारण नहीं कर पाई ये। और 5 तारीख को पहले ये लोग काम से गए, दोनों बाहर दिखाए कि हम प्याज लगाने के लिए गए हुए हैं पास में। फिर इसके बाद प्लानिंग के अनुसार ये दोनों
ये लौट के आ गया यहाँ पे और पहले इसने मछली खिलाई इसको अपने भाई को और खूब शराब पिलाई, उसके बाद इसको मार दिया। भाभी जी घर पर है। फेम और टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस विनर अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने राजनीति का रुख कर लिया है। भाभी जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष संजय निरुपम भी इस मौके पर मौजूद रहे। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं कई बड़े नाम राजनीति का दामन थाम लेते हैं। भाभी जी अब घर पर नहीं मिलेंगी, वो प्रचार करने जाएंगी, उन्होंने राजनीति में एंट्री जो ले ली है। भाभी जी फेम शिल्पा शिंदे ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम से बातचीत कर पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। शिल्पा से पहले टीवी इंडस्ट्री से कपिल शर्मा और कृष्णा अभिषेक जैसे एक्ट्रेस की भी राजनीति में शामिल होने की खबरें आईं। चर्चा है कि ये दोनों कलाकार नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। शिल्पा शिंदे ने कहा, हाँ मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूँ, ये सोच के आई हूँ कि जैसे आज तक मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और उसमें कामयाब हुई, तो जो भी चीज़ें गलत होती है या होती है उसके लिए स्टैंड लूँ और आगे आकर मैं खुद आगे आकर लोगों की हेल्प करूँ। सूत्र बताते हैं शिल्पा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़वाने का कोई वादा उनसे नहीं किया है, लेकिन वह राजनीति में क्या करेंगी, उनकी कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, यह तय होना अभी बाकी है। इतना ही नहीं, कॉमेडियन कृष्णा ने भी राजनीति में आने की खबरों पर मोहर लगाते हुए कहा कि मैं राजनीति में आने पर विचार कर रहा हूं और इस संबंध में एक मीटिंग भी हुई है। अभी उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, यहीं से मेरे मामा गोविंदा ने चुनाव लड़ा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज। जाते जाते जर्जर भोपाली के साथ सुनिए भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपका स्वागत है, वेलकम कर रहा हूं। जर्जर भोपाली मेरा नाम है। पहले एक शेर सुनाऊंगा कि रजाई इश्क में हम बर्बाद हो गए और उठना तो 6:30 8:30 हो गए। अरे कल्याण मियाँ जरा चाय लाओ यार, समाचार वगैरह शुरू करने हैं। कैमरा ऑन कर लो। हाँ वो तो वही कल यार विराट कोहली का फ़ोन आया था मेरे पास, बहुत परेशान थे। जब भी ना वो परेशानी में होते हैं मेरे को फ़ोन करती हैं, मेरे से सलाह लेती हैं। कह रहे थे वो एक अनुष्का शर्मा दूसरी आ गई है, वो अमेरिका की है ना कोई सिंगर जूलिया, उनका है ना फेस है ना बिल्कुल अनुष्का शर्मा से मिल लिया है और टेंशन हो गए। और कह रहे थे भैया कि महंगाई के ज़माने में एक अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो रही है, अब दो दो हो गई, अब क्या करें। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात कह रहे हो तुम। और इसी चक्कर में ना पूरी टीम है ना हार गई न्यूजीलैंड से। मैंने पूछा क्या हुआ भैया बता तो दो। अरे भैया बोले विराट भैया परेशान है, हम भी परेशान है, पूरी फैमिली में कोई मेम्बर परेशान हो जाता तो दिक्कत हो जाती ना, कोई दिक्कत हो गई इसलिए हार गए हम सब लोग टेंशन में थे। बताओ ये ऐसा हो रहा है। और ये खबर देख लो, ये प्रियंका गांधी ने महासचिव पद ज्वाइन कर लिया है। और भैया खुशियाँ हैं ना, ज़्यादा देर मनाने देते लोग। वो वाड्रा भैया को बुला लिया ईडी वालों ने, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल लिया है ना। हाँ ये कीचड़ की होली शुरू कर दी, मैं बता रहा हूँ चुनाव जैसे ही आता है कीचड़ की होली शुरू हो जाती है। हाँ ये बहुत अच्छा है अपने देश में। और ये बात और बता रही हूँ, ये समाचार इधर पे है, ये ट्रंप और किम जोंग ने फिर से मिल रहे हैं। मेरा कहना ये है कि बार बार मिल क्यों रहे हो यार, जितने भी बम वगैरह बनाए पुराने भोपाल में ले आओ, बड़े ताला में डाल देंगे, सब डिफ्यूज हो जाएंगे, रट्टा ख़त्म हो जाएगा ना, बार बार का मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ और एक समाचार इधर पे है भैया, बच्चे हैं ना ये एग्जाम के प्रेशर में बहुत घूम रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ये इनके माँ बाप है ना प्रेशर कुकर भर रहे हैं, फट फट बैठ रहे हैं बच्चों के ऊपर। अरे मैं कह रहा हूँ प्रेशर है ना उतना ही करो, दाल गल जाएगी। और ज़्यादा प्रेशर बनाओगे तो दाल है ना कुकर के बाहर आ जाएगी, मतलब क्या निकलेगा हैं। और बच्चे बेचारे एक तो माँ बाप प्रेशर डाल रहे हैं, उधर है ना कोचिंग वाले ये चार चार इंजेक्शन लगा के खून पी रहे हैं बच्चों का, बता रहा हूँ हैं, सांस नहीं ले पा रहे बच्चे। ये बच्चों को क्या की ये टॉर्चर कर रहे हैं भैया, मैं बता रही हूँ। ये ऐसा ऐसा तो चल रहा है देश में। अरे भैया चुनाव में अब नए नए लोग आ रहे हैं मैदान में, बता रही हूँ। अब भाभी जी पहले घर में थी, अब है ना राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। अरे शिल्पा शिंदे की बात कर रहा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ, ये एक्टरों को लाने की ज़रूरत क्या है, नेता लोग इतनी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं एक्टरों को मात कर देते हैं, बता रहा हूँ हैं। जनता को तभी तो 5 साल तक मूर्ख बनाती हैं इन, अभी एक्टरों को लाने की क्या जरूरत है, जब इतने बड़े एक्टर खुद ही काम कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत क्या है, बता रहा हूँ। अरे तो भैया मैं भी जा रहा हूँ अब एक्टिंग सीखने, बता रहा हूँ एक्टिंग का कोर्स करूँगा, जिसमें ऐसे बोलने में बहुत मुँह टेढ़ा हो जाता है, दुखने लगा है अब मैं
इतनी देर नहीं बैठ पाऊंगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।